नमस्कार बच्चों, त्रिभुज ट्राइंगल्स एक अंतिम एक्सरसाइज 7.4 हमारी बाकी है और 7.4 सीबीएसई में एनसीईआरटी की जो बुक आप लोगों की चल रही है और सीबीएसई का जो सिलेबस रिलीज हुआ है उसमें 7.4 उनके हटा दी गई है बच्चों। लेकिन आज ही बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आपके 40% सिलेबस की रियायत आपको मिल सकती है इस कोरोना वर्ष की वजह से। चलिए जो भी है, हम अपनी एक्सरसाइज के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम तो लगातार लेके चल रहे हैं आपको इस सफर में। एक त्रिभुज में असमिकाएं क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है, आपको मैंने याद हो तो पिछली क्लास में बताया था। ये इस तरह की जो चिन्ह है वो इनइक्वलिटीज कहलाते हैं। ये तो इक्वल का साइन है, ये इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, छोटा है बड़ा है। अब इसमें हम आपको जो प्रमेय बताना चाह रहे हैं ना बच्चों, वो आज एक तो प्रमेय 7.6 देखिए, प्रमेय 7.6 जो पेज नंबर 156 पे है, 156 क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, अनइक्वल हो, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो यहां पहले भुजा बोला है, यदि भुजा, ठीक है ना, बड़ी, तो ये प्रमेय कहती है तो उसके सामने का कोण बड़ा, ठीक है ना बच्चों। और इसी के लगी हुई एक दूसरी प्रमेय है जो प्रमेय 7.7 है और पेज नंबर 157 पे है, यानी इसमें हमारे को भुजा बड़ी पहले बोला है, कोण के लिए बाद में बोला है। और प्रमेय 7.7 जो पेज नंबर 157 पर है उसमें कहा गया है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी कि पहले कोण बड़ा बोला है तो उसके सामने की भुजा बड़ी यानी कि लंबी होती है, ठीक है। कोण बड़ा तो उसके सामने की भुजा बड़ी, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा उसके सामने की होगी जो सबसे बड़ा कोण होगा। और यही प्रमेय किसमें 7.8 कुछ अलग ही नियम बताता है। क्या कह रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हम कैसा भी त्रिभुज ले लें, ये थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हम एबीसी छोटा सा चित्र बना रहे हैं। इसमें अगर मैंने एबी प्लस एसी ले लिया तो वो बड़ी होंगी किससे, बीसी से। ये प्रमेय 7.8 कहती है, ध्यान दीजिए। तो पहले प्रमेय को आप लोग समझ गए हैं, 7.6 क्या कह रहा है, 7.7 क्या कह रहा है और 7.8 जो इसी पेज पर स्थित है बच्चों, 157 पर ही आपकी दो प्रमेय है। यस, इनका उपयोग कैसे करेंगे समझिए। संक्षिप्त में हमने प्रमेय का थोड़ा सा स्टेटमेंट यहां लिख दिया है। देखिए बच्चों, 7.4 एक्सरसाइज 7.4 जो इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है और इसमें क्या कहा गया है, पेज नंबर 158 का जो पहला सवाल है वो हमें कह रहा है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण भुजा सबसे लंबी होती है। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं बच्चों समझाने के लिए, बेहद आसान सवाल है। और वैसे भी हम जानते हैं बच्चों
कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। तो एक तरह से समकोण त्रिभुज इन्होंने बोला है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमें मालूम है। तो एक तरह से इस सवाल में यह कहा गया है कि कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कर्ण का इन्होंने उपयोग नहीं लिया, समकोण त्रिभुज, हां कर्ण का उपयोग लिया है बच्चों कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण बोला है सवाल में। यस, वैसे तो सीधी सी भाषा में हम कह ही सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है तो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। कौन सी प्रमेय लगी? हां बड़ा कोण उसके सामने की भुजा बड़ी, प्रमेय 7.7 इसमें लग रही है। दिया है, सिद्ध करना है, कोई जरूरी विशेष है नहीं, फिर भी एक बार कुछ नए बच्चे जो है उनके लिए बता दें। एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री, पहली बात। सिद्ध क्या करना है? यस, टू प्रूव कर्ण एसी बड़ी है दोनों भुजाओं से। ठीक है, कर्ण एसी, चाहे तो ऐसे भी लिख देते हैं, कर्ण एसी बड़ी है किससे? बीसी से, तथा कर्ण एसी बड़ी है एबी से। सब भुजाओं से बड़ी है, मतलब बाकी की दोनों भुजाओं से बड़ी है, यह सिद्ध करना है। रचना कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, उपपत्ति। अब ये मालूम है हमारे को कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब कोण बी 90 डिग्री लेके बैठ गया तो ए और सी दोनों को मिला के 90 मिले। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है, इसलिए प्रमेय, संक्षिप्त में हम प्रमेय का नंबर डाल रहे हैं, प्रमेय 7.7 से, 7.7 से क्या कह सकते हैं हम कि कोण बी सबसे बड़ा है तो बी कोण के सामने की जो भुजा है एसी। ठीक है ना, आप पहले यहां थोड़ा सा एक संकेत भी डाल दीजिए कि कोण बी 90 है तो कोण बी बड़ा है किससे? कोण सी से, इसलिए बी के सामने की जो भुजा है एसी। यहां लग गई हमारी प्रमेय 7.7, थोड़ा सा नीचे इसके सामने किसका लीजिए इसको, प्रमेय 7.7 से, प्रमेय 7.7 से हम क्या कह सकते हैं कि एसी बड़ी होगी किससे? सी के सामने एबी से। इसी प्रकार कोण बी बड़ा था ना, यहां पे एक बार फिर से लिख दीजिए, कोण बी बड़ा है किससे? यहां सी बोला था तो ए लिख दीजिए। तो एक बार पुनः प्रमेय किससे? वही 7.7 से हम क्या कह सकते हैं कि बी के सामने की जो एसी है वो बड़ी होगी किससे? ए के सामने वाली भुजा अर्थात बीसी से। बस यही दो पार्ट हमें सिद्ध करने थे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है ना बच्चों, तो बेहद आसान सवाल है किसी त्रिभुज में। अच्छा, इसमें एक बात यह भी ध्यान रखिए कि यहां पे 90 डिग्री सबसे बड़ा था ना, तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी हुई,
और ये सबसे छोटा कोण है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी इसका निर्धारण उसका कोण बता देता है। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो AC सबसे बड़ी भुजा है इसलिए B सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी BC है तो उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा, और ये बीच का मामला हो गया, इन इससे छोटा इससे बड़ा, और ऐसे ही भुजा का मामला हो गया। जैसे तीन भाई होते हैं ना, एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा और एक बीच का, ऐसे उसी तरह से यहां हुआ। ये था सवाल नंबर 1, 7.4 का। यस बच्चों, अब सवाल नंबर 2, जो चित्र 7.48 में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। कहां तक बच्चों? P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही हमारे को दिया है कि कोण PBC छोटा है QCB के, ठीक है? हमें दर्शाना है कि AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि AC बड़ी है AB की। देखिए कैसे। सवाल नंबर 2, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। कहां तक? P और Q तक। किस तरह से? देखिए, जैसे आप लोगों को नाम दिए गए हैं, देखिए ए, ये बी, ये सी, ये पी बिंदु तक और ये क्यू बिंदु तक आपको बढ़ाया गया है। अब आपको क्या-क्या दिया गया है? दिया है हमें ये लाइन तो आ ही जाएगी कि ये आगे तक बढ़ाया गया है। जो सबसे कीमती बात है वो हम लिख रहे हैं कि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी के। इसमें बच्चों एक बात सुनिए, जब पी बी सी छोटा है, पी बी सी ये छोटा है, तो ये हम छोटा बना लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बना ही बड़ा लेते हैं, बड़ा ही बना लिया हमने इसको, ठीक है? ये छोटा सा बना लिया, तो एक तरह से हमारे को वहां पे देखना नहीं पड़ेगा। अब एक बात पूछे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। जब इसने बड़ा हिस्सा ले लिया तो बेचारे इसको छोटा मिलेगा ना, और इसको छोटा पार्ट मिला तो इसको बड़ा मिला, तो बी के सामने की जो भुजा है AC वो बड़ी होगी, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि सी के सामने की जो भुजा होगी AB वो छोटी होगी। तो आपको यहां देखिए बच्चों, प्रमेय का ध्यान रखना, वो प्रमेय मैंने मिटा तो दी लेकिन उनका उपयोग हम बार बार में करते रहेंगे। सिद्ध क्या करना है? AC इज ग्रेटर देन AB। यस, यहां छोटी की लैंग्वेज है और यहां बड़ी की लैंग्वेज है, तो हम यहां पे रचना कुछ कर नहीं रहे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ ले रहे हैं, सीधा सा समझने की कोशिश कीजिए। कई हैं तरीके, हम आसान तरीका आप लोगों के लिए बता रहे हैं। देखिए, उपपत्ति में हमारे को जो दिया है वहां से ले लीजिए, कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी के,
हम नहीं कह रहे दिया है, ठीक है। अब यहां पे एक काम कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं दोनों में बराबर प्लस करूं ना तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, तो हम दोनों पक्षों में 180 डिग्री प्लस कर रहे हैं, 180 प्लस कोण पीबीसी और इधर 180 प्लस क्यूसीबी, दोनों तरफ मैंने कोण 180 प्लस किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण की तरह से हम क्यूसीबी को तो इधर लेके आ रहे हैं, 180 माइनस कोण क्यूसीबी और ये उधर चला गया 180 माइनस कोण पीबीसी। यस, अब देखिए 180 माइनस क्यूसीबी कहां है, क्यूसीबी क्यूसीबी, तो 180 माइनस क्यूसीबी एसीबी हुआ, कौन एसीबी, एसीबी छोटा हुआ किससे, 180 माइनस पीबीसी, पीबीसी किससे, एबीसी से, ठीक है। तो ये आपको मालूम है बच्चों, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, कौन सी प्रमेय कह रही है, प्रमेय 7.7, इसलिए प्रमेय 7.7 से। अब की बार हम बड़े वाले की लैंग्वेज ले रहे हैं, एबीसी बड़ा है ना, तो एसी, क्योंकि यहां पे हमारे को यही सिद्ध करना है, एसी बड़ा, एसी भुजा बड़ी होगी किससे, एबी से, बस यही सिद्ध करना था। संभवतः आपको समझ आ गया होगा, प्रमेय 7.7 से AC is greater than AB, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो बेहद आसान सवाल लग रहे हैं प्रमेय को एक बार समझने के बाद में, तो संभवतः ये सवाल नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है बच्चों, कुछ बच्चों की मांग है सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए, मिटाने से पहले समझ लीजिए बच्चों। इसमें हमारे को ये त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा बढ़ाई गई थी पी तक और एसी बढ़ाई गई थी क्यू तक, ठीक है, और हमारे को दिया गया था ये जो पीबीसी है, पीबीसी है ये, पीबीसी पीबीसी ये छोटा है कौन इसके मुकाबले, तो हमने डिजाइन ही ऐसे बनाई कि ये छोटा छोटा लगे बड़ा बड़ा लगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है बच्चों, 180 रुपए का बंटवारा अगर दो अलग अलग जगह हो तो 180 में से जो ज्यादा भाग ले गया उसके बेचारे पार्टनर को कम मिलेगा ना भाई, और इधर कम मिला तो उसके पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, तो जब बी को ज्यादा मिला तो बी के सामने वाली एसी बड़ी होगी भाई, ठीक है, किसके मुकाबले, ए बी के मुकाबले। सिंपल सी बात है, लिखेंगे यूं कागजों में, ध्यान रखिए सवाल नंबर 3 में यही सभी बातें लगेगी, ध्यान से समझिए तो सवाल आसान लगेगा बच्चों। यस, आकृति 7.49 आपको दी गई है और इसमें कोण बी छोटा है ए से और कोण सी छोटा है डी से,
आपको दर्शाना है कि एडी इज लेस देन बीसी, यानी कि एडी छोटा है बीसी से, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम समझेंगे रफ में, रफली एक बार समझेंगे और फिर फेयर तरीके से समझेंगे, तो आपका जो समझना है ना वो स्थाई होगा। बच्चों ध्यान रखिए, समझने का मामला स्थाई तभी होगा जब आप दिमाग लगा के, और इसमें बीच बीच में मैं जो पूछूं ना उसके जवाब जरूर देते जाइए बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 3 में, यस, जब भी हम कुछ पूछें तो आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इस तरह का कुछ फिगर हमें दिया हुआ है, कोई समांतर नहीं है, समांतर दिख सकती है, ये ए बी ओ सी एंड डी, ठीक है। अब हमारे को कोण बी दिया है छोटा है ए से, तो बी और ए में छोटा कौन सा है, बी, तो ये हमने छोटा बनाया और इसको हमने बड़ा बना दिया, तो ये खुद ही कह रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है। यानी कि इस त्रिभुज में अगर मैं पूछूं तो बड़े के सामने ओ बी बड़ी होगी, किससे, ओसी से, ध्यान रखिए, यस। और दूसरी तरफ हमारे को सी छोटा है, ये सी छोटा है, ये छोटा बना दिया और ये डी को बड़ा बना दिया, इन दोनों के तुलना में डी बड़ा है, सी नन्ना सा है। अब बच्चों सुनो, तो यहां पे हमारे को छोटी वाली बात पे बात खत्म करनी। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं कि बी छोटा है ना इन दोनों में, तो इस त्रिभुज में ये ओ बी छोटी होगी, और इन दोनों में सी छोटा है ना, सी छोटा है ना, तो सी के सामने वाली छोटी होगी, तो जब छोटे वाली को मैं प्लस करूंगा ना ओए और ओडी को, तो वो एडी बन जाएगा, तो दोनों छोटे पार्ट प्लस होके छोटे ही तो रहेंगे, वही बात इसमें लग रही है। कैसे, आइए कागजों में लिखें, यस, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3 दिया है आपको, जो भी सवाल है ना बच्चों उसका उसमें से दिया है और सिद्ध करना है, ये ढूंढना आना चाहिए। यहां पे आपको चित्र में बोला ही है डायरेक्ट कि कोण बी इज लेस देन एंगल ए और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, ठीक है। कोण बी छोटा है ए से, बी छोटा है ए से इस त्रिभुज में, और दूसरे त्रिभुज में सी छोटा है किससे, डी से। सिद्ध क्या करना है, यस, टारगेट है हमारा एडी इज लेस देन बीसी, एडी इज लेस देन बीसी। रचना की जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति में आते हैं, यस। अलग अलग दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में कौन सी कौन सा कोण छोटा है, कोण बी छोटा है कोण ए से, हम नहीं कह रहे, हमें दिया है, ठीक है। आप चाहो तो वो प्रमेय, जो यहां कौन सी लगेगी प्रमेय, वही 7.7, क्यों, क्योंकि पहले कोण की बात कह रहा है, तो बुझा पहले कोण की बात 7.7 में बोली है,
इसलिए प्रमेय 7.7 के अनुसार, इस बार थोड़ा सा डिटेल में भी लिख देते हैं, अनुसार छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी, ठीक है बच्चों, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो यहां पे कोण B के सामने की जो भुजा है, कोण B के सामने की भुजा OA, यहां लिख देते हैं इसके लिए OA इज लेस देन OB, इसको नंबर एक बना दिया बच्चों। जैसे समीकरण बनाते हैं, इनइक्वालिटीज को भी हमने नंबर एक दे दिया। और इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में आ गए, कौन से त्रिभुज में, उसमें बच्चों हम आपका उपयोग लेना चाहेंगे, आप दिमाग लगाइए। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यस यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, सेकंड में आप खुद दिमाग लगाइए। कोशिश कीजिए, यस बच्चों, तो आपको हमने वक्त दिया था, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा यहां पे क्या है, त्रिभुज हम ले रहे हैं ओसीडी, त्रिभुज ओसीडी में इस बार सी छोटा है डी से, कोण सी छोटा है डी से दिया है, ठीक है, इसलिए वही प्रमेय डिटेल में हमने यहां लिख दिया है। इसलिए प्रमेय 7.7 से सी के सामने वाली जो भुजा है, सी के सामने वाली भुजा ओडी, ओडी छोटी होगी किससे, ओसी से, ये हमने बना दिया समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, दोनों में लेफ्ट लेफ्ट से जोड़ेंगे और राइट राइट से जोड़ेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ा और राइट राइट में जोड़ा, तो यहां OA प्लस OD इज लेस देन, क्योंकि दोनों छोटे पार्ट जोड़ के छोटे ही रहेंगे और बड़े जोड़ के बड़े ही रहेंगे, तो यहां पे OB प्लस OC। अब OA प्लस OD, OA प्लस OD को हम सामूहिक रूप से AD बोल सकते हैं, जो हमें सिद्ध करना था उस तरफ हम जा रहे हैं, अतः AD इज लेस देन इन दोनों पार्ट से OB और OC से, कंबाइंड में हम BC बोल सकते हैं,
और यहां से भी समझ सकते हो कि ओ हट गया बेचारा, एडी रह गया, ओ हट गया बेचारा, बीसी रह गया, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। बस यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो ये सवाल इनइक्वलिटीज वाले हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हो, लेकिन इतने मुश्किल है नहीं बच्चों। ये था सवाल नंबर 3। और बच्चों अभी जैसे मैंने सवाल नंबर 3 समझाया, तो सवाल नंबर 2 आप लोग कहीं भूल तो नहीं गए? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 में तो केवल कर्ण की बात थी, सवाल नंबर 2 में अगर आपको याद हो तो 180 डिग्री मैंने दोनों में प्लस किया था, और फिर पक्षांतरण करने पर वो 180 माइनस 180 माइनस हो गए थे। ठीक है, तो कभी कभी आप दोहरान का ये काम जरूर कर लिया करो बच्चों। 3 प्रमेय हमने समझाई थी आपको, 7.6, 7.7, 7.8। आइए थोड़ा सा दोहरा लें नया सवाल लेने की बजाय। यस, अभी तक 7.8 प्रमेय का उपयोग नहीं हुआ है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उस प्रमेय का उपयोग अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना बच्चों, अभी हमारा 7.6 7.7 में ही घूम रहे हैं हम। देखिए 7.6 प्रमेय क्या थी कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसमें क्या था, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। और 7.8 में क्या था, 7.8, दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो और ये सवाल नंबर 3 संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार पुनः समझा देते हैं सवाल नंबर 3 को मिटाने से पहले, कि इसमें हमारे को दो अलग अलग त्रिभुज दिख रहे थे, ये कौन बड़ा ये छोटा, तो इसके सामने की भुजा OA छोटी हुई, जो यहां हमने लिख रखा है समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में सी छोटा हमें दिया गया था, दिया है दिया है, तो प्रमेय 7.7 से ओडी, ओडी छोटी हुई किससे, ओसी से, ये छोटी है का चिन्ह है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, और जब दोनों समीकरणों को हमने प्लस कर दिया तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ के राइट राइट से जुड़ा, एडी इज लेस देन बीसी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।